देखते हैं कि वो जुबैर को किस तरह पेश करते हैं, क्योंकि जुबैर इस वक्त फुल रिदम में बॉल करते हुए। अच्छा बॉल, गहरी पेस वाला बॉल, शॉट पे बाहर रखते हैं जुबैर। ओह ऐसे खोर रहे हैं, सर छोड़े और खोर रहे हैं यार। जाजी और जैन को बॉल होगा, ये पकड़ो। ओके, कम से कम 80 टू 90 रन सात ओवर्स में करने होंगे। ओपनर कर दिया, क्या ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा जुबैर की जानिब से। टेरी स्लोकर, स्लोकर के क्राउन में छाते हुए। हेलो, बोल या जुबैर ने ग्रीन शर्ट कुछ ऑफ कलर नजर आते हुए, उनको अपनी ग्रीनरी शो करनी होगी। अब क्या है, उन्होंने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आबिद, आबिद है न्यू बैट्समैन, कुछ थोड़ा बहुत एक आध ओवर संभाल के कर ले तो मेरे ख्याल में क्लीन मारनी वाला ताबूत ही आई होते। जुबैर इंतहाई अच्छा स्टार्ट। आबिद ने संभाल कर खेला समझदारी के साथ, के दो इंपॉर्टेंट विकेट गवा चुके। तेरी इंचलो करके कोच आबिद कमेंट्री बॉक्स में मौजूद और इंतहाई खुश मिजाजी के साथ उन्होंने एंट्री मारी, क्योंकि दो खिलाड़ी आउट हो चुके और आबिद ने फिर स्टॉप किया। अच्छी हिम्मत अमली आबिद की जानब से, क्योंकि छह ओवर बाकी है पीछे और भी इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप मौजूद नहीं ग्रीन शर्ट के पास, इसलिए मुस्तरद बैट्समैनों को ही कुछ छह ओवर पूरे करने पड़ेंगे। अगले व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर नासिर की जानब से, बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। आपको बताता चलूं कि ये थर्ड एडिशन है फजल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का। इत्याई अच्छा ओवर का इख्तिताम जुबैर की जानब से, दो रन दो खिलाड़ी आउट। तमाम शायकीन एक से गुजारिश के जुबैर के लिए क्लैपिंग कर दें। दूसरे बॉलर हैं कामी, जैन दो ओवर स्टे करो विकेट पे। ओए ओए जैनो छह रन जी। कामी बॉलिंग स्टार्ट पर मौजूद, पेश करेंगे जैन। अगले बॉल कर सकते दूसरा छक्का जी जैन की तरफ से। इसी तरह के स्टोन से आने की मारो रखते हैं और एक और शॉट, इसी स्थान में बॉडी लाइन क्रॉस करते हुए चार।
चौका माना से गुजारिश की चार रन से बॉल के लिए दानिश भाई नहीं ये तिलोकर सोके में हो रहा है तिलोकर सोके में ही हो रहा है टूर्नामेंट वाइट बॉल का इशारा अंपायर नासिर की जानिब से कामी कुछ ऑफ कलर लगता है काफी अच्छे के बाद बॉलिंग कर रहे हैं अच्छे ऑलराउंडर ऑलराउंडर है और कैच लगा लेकिन बॉल महफूज इसी स्थान में बैट्समैनों ने दो रन भाग के बना लिए जब तक बॉल डेड ना हो जाए उस वक्त तक दो रन नहीं होंगे वन लेफ्ट वन लेफ्ट और दूसरा मेरा मोबाइल के रेडी ना मोबाइल लेना मुझे एक बीट एक छह एक चार दो ठीक है जी ओवर पहले डार्ट हुए अब्दुल रहमान लेग साइड पे जो बॉलिंग गई है नहीं आई अभी तक बॉल वापस नहीं आया आगे दोनों बॉल वापस अब्दुल रहमान आपसे गुजारिश है आप अगर कमेंट्री बॉक्स में आ जाए आबिद की जानिब से स्ट्रोक और पुलिस वाले नीचे लेकिन पकड़ने में नाकाम पुलिस को चप्पा देती हुई बॉल भागते हुए ओए ज़ैनो विकेट नहीं है और तीन रन का बॉलर भी नहीं है इतना खास बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन पहला ओवर इंतहाई कामयाब ओवर किया था जुबैर ने लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े सा मैच की गिरफ्त हटते हुए बताता चलो कि ग्रीन शर्ट के पास अच्छी बॉलिंग लाइन भी मौजूद है गुड बॉल अच्छा गुड लेंथ पे बॉल अच्छी बॉल अच्छी लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हुए और जैन भी चांस नहीं ले रहे कि उन्हें पता है कि पीछे और बॉलर्स पे वो हिटिंग कर सकते हैं कोई अच्छा बॉल मिलेगा तो उसी के इंतजार में है कि बॉल लूज बॉल जुबैर की तरफ से आए तो उसको हिट किया जाए अच्छी अटेम्प्ट शायद बाबू की जानिब से कैप्टन ने तेज शॉट को चांस लिया था कैच आउट होने का लेकिन शॉट तेज थी उसके हाथों में ग्रिप नहीं हो सका बॉल बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन अच्छा रन लिया जुबैर जैन फेस करके एक चांस उनको भी मिल चुका है कीपर को चकमा दे दिया बॉल ने तीन ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन येलो बिलाल ऐसे जवाब देना कमेंट वगैरह का और साफ एक जगह स्टिल एक जगह रख से आजकल देरी 11
है लेकिन हार्ड बॉल के मैचेस इक्का दुक्का खेल रही है लेकिन फिर भी अच्छा कंटेन कर रखा है ऐसी टीम को जो कि रोजाना प्रैक्टिस करती है और ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलती है हारिस है ने आने वाले बॉलर अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं पेस से ज्यादा लाइन लेंथ को मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि जैन बिल्कुल वेट कर रहे हैं कि और नो बॉल अंपायर नासिर की जानिब से इशारा के नो बॉल और इसके साथ ही फ्री हिट सिर्फ रन आउट हो सकते हैं इसके अलावा कोई और चांस नहीं आउट होने का काफी बड़ी नो बॉल के लिए अच्छा बॉल किया और एक और नो बॉल का इशारा अंपायर बाजी की जाने हारिस आई थिंक कुछ अपने पांव पे कंट्रोल नहीं कर सकते हारिस राउंड द विकेट बहुत अच्छा बॉल लेकिन फ्री इस तरह की बॉलिंग करनी होगी जैन को चांस मिलते हुए बाबू फुल सपोर्ट करते हुए कि बाबू दिल्ली 11 के सबसे ओल्डेस्ट कैप्टन है और लेकिन सपोर्ट इनकी जैन के लिए क्योंकि जैन पीटीआई की शिदाई और बाबू भी पीटीआई की शिदाई अच्छा सिक्स फ्लैट बैट के साथ खेला स्लो वन और चार छह रन का इशारा दो छक्के हो चुके हैं तीसरे छक्के पे बाबू के 500 रुपए जाते हुए नजर आ रहे हैं बॉल कितनी हुई बॉल वन लेफ्ट हरेस अगर इस बॉल पे आउट करते हैं तो हरेस के लिए भी 500 रुपए का ऐलान बाबू की तरफ से दोनों तरफ ऐलान ऐलान बाबू की तरफ से बाबू आज पहली दफा मूड में आते हुए बाबू के पैसे बचाते हुए जैन अब पता लग गया कि तुम बाबू के कितने फैन हो इस ओवर में 19 रन का इजाफा हुआ
3 ओवर 4 ला लो मैंने ठीक है लाइव पैसे भी निकालो रे लाइव के दाना लाओ फैसल आपके लिए साजिद जरीन की तरफ से हैट्रिक पे 1000 रुपए का इनाम बाबू के पैसों में मुझे फिर शक है लेकिन साजिद जरीन के पैसों में मुझे बिल्कुल भी शक नहीं अच्छा बात इसी लेंथ पे बॉलिंग की थी फैसल ने लेकिन वो जो दो छक्के थे वो बाद में पूरी देरी में मशहूर थे उसके बाद पूरे टूर्नामेंट में फैसल नजर नहीं आए आज जलवा कर हुए और पिटनी कसर निकालते हुए देखते हैं अगली पांच बॉलिंग कैसे करते हैं क्योंकि आबिद अच्छी हिटिंग की सलाहियत रखते हैं आज तो फैसल कमाल करते हुए कि लेंथ चेंज की पहली शॉट पे जो दूसरी यॉर्कर लेंथ बॉल अपने तजर्बे का फायदा उठाते हुए तुकीरे नए आने वाले बैट्समैन का नाम जैन बैट्समैन नेम जैनी बैट्समैन नेम फैसल की लिए एक और ऐलान की अगर मैडम ऑन ओवर करते हैं तो मलिक बकास की जानब से 5000 रुपए का ऐलान मैडम ओवर टूटते हुए दूसरे रन के लिए भी जैन वापस रन ओवर होने का चांस लेके तीसरा रन भी मर गया इसी स्नैप सोका भाई आते थ्रो कर सो जैन अपनी टीम के लिए तने तनहा मर्द मुजाहिद साबित होते हुए जैन फेस करेंगे फैसल गुड शॉट जैन भाई इस तजर्बे का भरपूर फायदा उठाया जैन वेल प्लेड जैन प्रेशर में अच्छी हिटिंग का मजा आया फैसल अपने ओवर की चौथी बॉल के लिए पांचवी बॉल के लिए सॉरी शॉटी है वे गुड शॉट अभी एक बॉल बाकी है जैन मैंने आपको बताया कि तने तनहा मर्दे मुझाए ग्रीन शर्ट के लिए क्योंकि इन्होंने ग्रीन शर्ट नहीं पहनी हुई है शायद इसलिए शायद बाबू फील्डिंग को चेंज करते हुए और फैसल को बताते हुए कि कोई लेंथ है आगे पीछे करो लेकिन आगे लेंथ पे भी शॉट है जैन भाई गुड और जैन ने इस तरह अपनी 50 मुकम्मल की तमाम तमाशाइयों ने वेल प्लेड जैन भाई पांच ओवर के खिताब पे 68 रन अगले दो ओवर में फैसल
लगता है कि आज बड़े अरसे के बाद बॉलिंग की उन्होंने, क्योंकि सांस चढ़ा हुआ है फैसल को और सीधा आप ही बाबू के और साजिद तरीन के सामने। जान भाई शबक काम ही है, और दूसरे रन के लिए भी वापस हो गए हैं। चार रन के लिए लगे शो में कुछ जान नहीं थी वाले आते हुए वापस नासिर, शुक्रिया राफी। एस्कोल जे को जे को वे वैसो किसी भाई का अगर मोबाइल आपेद का है शायद मेरे पास मोबाइल गीत शर्ट आपेद कामी वाइट बॉल कामी की जानिब से अगर ग्रीन शर्ट ने विनिंग टोटल सेट करना है तो जैन को आखिरी ओवर तक विकेट पे मौजूद रहना होगा और एक और वाइट बॉल अच्छा बॉल उस टाइम जटिल बारी नहीं पूछो लगे ठीक है दो बॉल बनेगा पांच छह मिले वाइट बॉल बॉल डार्ट भी होता है कोई इशू नहीं वाइट और इंडिया ने बॉल त्रै रन सुधा भी मिल गया बॉल डार्ट हो कोई नहीं ध्यान में सो खड़े अच्छा बॉल वन फॉर द ओवर इसी स्थान में दो रन का इजाफा कामी निस्बतन अच्छा ओवर करते हुए कि स्कोर कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। मैं आपको बताता चलूं कि इस विकेट पे अगर कोई एक बैट्समैन भी अच्छी इनिंग्स खेल जाए तो मैच खत्म हो सकता इसलिए जैन को मैं बार बार कह रहा हूं कि आखिरी ओवर तक जाना होगा। वाइट बॉल इस टूर्नामेंट के पीछे काफी हार मौजूद शॉट है जी बाबू आज फुल महसूस होते हुए जैन की हिटिंग से आज मुझे लगता है कि बाबू जैन की बैटिंग पहली दफा देख रहे हैं आउट करना होगा जैन को अगर कैच बहुत अच्छा जैन भाई वेल प्लेड जैन भाई अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन इनिंग और बाबू की तरफ से एक और सटवा के पीरनी की दुआएं हैं जैन के लिए इसका मैच है लगता है कुछ मीटिंग चल रही है कि कल इनका मैच है हमारी टूर्नामेंट की जान रऊफ 11 और सबसे ज्यादा यही लगते हैं मुझे इनकी मीटिंग जारी मीटिंग चल रही है कि कल इनका मैच है
स्पेशल आपको कम बैक करना होगा क्योंकि आप में ये सलाहियत मौजूद है कि कम बैक कर सकते हैं फिलहाल आने वाले नेबर्स मैन और इसी नाम में फुल टॉस दो बॉल और दो रन के लिए बॉल झाड़ियों में बैट्समैन फिलहाल आई थिंक फिलहाल फैसल फ्री है कामरान के लिए लेकिन कामरान का वाड़ा पूरी जोर से जान से बॉल को घुमाना चाहते थे लेकिन सोकर Sinakshi is here. Fan of Sinakshi. Young brother, captain. Oh, achhi fielding. लाल भाई दोग दाने आपने अगर फेसबुक पे इन दिनों में पिक्चर देखी हो कि किसी बंदे के सर पे किलो वाली कैप वो है रिजवान उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की कॉपी करनी शुरू की हुई फिलहाल दो 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 और अच्छी फील्डिंग कामी की तरफ से रन उगाने का चांस अच्छा बैकअप किया कामी ने जुबैर को आरएस को हारिस ने मिस फील्ड की लेकिन कामी ने बैकअप किया 87 हो चुका है स्कोर लास्ट ओवर का खेल जारी इसी स्थान में दूसरे रन के लिए वापस हो रही है फिलहाल लेकिन कामरान ने कहा नहीं भाई एक छक्का मेरा भी बनता फैसल का नस्बतन अच्छा ओवर में जब भी अच्छा ओवर कहता हूं तो फैसल हमेशा अच्छे ही ओवर करते हैं और मुस्कुराते हुए हैं नहीं बोला इसलिए नहीं बोला कि फैसल फिर कहेंगे कि आप बोले थे मुझे छक्का लग गया इसलिए अच्छी बॉल फैसल की जानिब से इस इनिंग की आखिरी बॉल इसलिए बैट्समैन उधर ही रुक गए केस पे फिलहाल है अच्छी बैटिंग करते हैं फिलहाल और मैंने आपको बताया कि अच्छी बैटिंग करते हैं इसका मतलब है कि अच्छी बैटिंग करते हैं छह रन के साथ इनिंग्स का इख्तिताम किया फिलहाल ने 95 का टारगेट है देरी 11 की जरा मैं आपको बताता चलूंगी बहुत सारे लोगों का गुड बैटिंग जैन भाई पूरी टीम जैन भी गुड बैटिंग95 टारगेट दिया जी कितने लाइफ पे दस पे हाँ मैं कर सन अगले ओवर च एक ओवर ओए रोला बनने एक ओवर से खिला रहे हो ना
ਲਿਖਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰੋ ਕਾਬਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਸ ਤੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਵਾਦੀ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਦ ਖੇਡ ਕੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਤੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵਾਜਿਦ ਭਾਈ ਐਫ ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਂ और कमेंटेटर्स स्कोरर्स और इस सब के लिए अलराम घर में की तरफ से छोटा का ऐलान कौन सा आप खा रहे हैं कल खा रहे हैं जी दिखाओ ग्रीन शर्ट्स ने अच्छा टारगेट सेट कर लिया जैन की बैटिंग की बदौलत जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था लग तो यही रहा था कि आज ग्रीन शर्ट्स ऑफ कलर है लेकिन जैन ने अच्छी हिटिंग का मुजाहरा किया वो कमेंटेटर के पास बैठे हुए हैं जी शायद बाबू खराब ना हो डॉक्टर साहब बाद चेक करने फिर बेइज्जत कर सी नवी बोला भाई इन एक्शन अपने वक्त के आसिफ बोला थेरी 11 के नंबर वन बैट्समैन क्या ही अच्छे फील्डर और स्लोअर वन भी बहुत अच्छी करते थे लेकिन आज बॉलिंग पे नहीं आए छक्के पड़े थे बोला गई अच्छा खोड़ी मैं आज भी क्या छोड़ दे मैं और जाने और मैं छुपाई के मैं क्या छोड़ दे भी आज भी चटा चटा बॉलिंग पे मौजूद पहली बॉल पे कैच होने का खतरा लेकिन लगता दरिया में चलेगी बॉल बॉल वरना जैन आउट अगर पानी में भी कैच पकड़ते हैं तो आउट हो सकता है जटा अच्छी बॉलिंग करते हैं जटा ओए मिट्टी ना सट ओए वाइट बॉल चटा की जरूरत है कहीं वाला मैच में
खुरम अपनी टीम को बैकअप करते हुए खाना लास्ट कॉल के लिए जटा दूसरे रन के लिए वापस होना चाहते थे लेकिन जुबैर की अच्छी कॉल बॉलिंग करते हुए लगता है जैन के पांव में कोई मोच आ गई है एक ओवर छह रन दूसरे ओवर के लिए गुड होरम बे जिया होरम बे ए रश के राइज में सर ओए पहली विकेट अर्शद एक पुलिस वाले को दूसरा पुलिस वाला रिप्लेस कर दिया खा रहे हैं हम बस कर रहे हैं पहले दो ओवर के बाद नंबर मिलाया मेरा फील्डिंग
मैच पे खेल रहे हैं आज अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बॉलिंग का आगाज किया अच्छे बॉलर हैं लेकिन कभी कभी कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तुम्हारा देखे पारा इसी तरह की बॉलिंग करनी होगी फरम को स्पैर फेस करके फरम और वाइट बॉल लेग बाई का इशारा फायर वाजिद की तरफ से बॉल दे दे आज के मैच की खास बात जैन की 50 रन की इनिंग्स क्योंकि जिस मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने इनिंग्स के लिए वो टीम के लिए इंतहाई कारगर साबित होते हुए 61 रन उन्होंने बनाए टोटल बैक करते हुए अच्छी फील्डिंग अच्छी बॉलिंग अच्छी फील्डिंग ग्रीन शर्ट मैंने आपको बताया कि बॉलिंग साइड इनकी अच्छी शानी भी ग्रीन शर्ट्स को बैकअप करते हुए आपको बताता चलूं कि ये जो 50 रन 61 रन जो जैन ने बनाए अभी तक इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट इंफ्रादी इनिंग्स है और इस टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज प्राइज 70cc बाइक है जिसकी एक लाइन जैन ने खींची है वाइट बॉल फ्रॉम को अपनी लाइन लेंथ पे कंट्रोल करना होगा क्योंकि ये 7 ओवर में से 2 ओवर भी अगर बड़े ओवर चले जाते हैं तो फिर रन रेट को संभालना नो बॉल और एक रन का इजाफा दो रन का इजाफा स्कोर में टोटल 3 रन पीछे 2 रन बैट के साथ और एक नो बॉल और 3 और अर्शद की जानब से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए शॉट 3 का फायदा उठाते हुए दो ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन नहीं जी शानी भाई नहीं खेल रहे अपनी हाइट के मुताबिक छक्का वाइड बॉल ठीक है जटा से पालक रही शाबा Bye.
24 रन्स हो गए जी। ग्रीन शर्ट्स ने 95 टारगेट दिया है जो कि अर्शद, जिसमें जैन भाई ने अच्छी इनिंग खेली है, 61 रन की इनिंग खेली है जैन भाई ने जी। जटा की जानव से आपको बताता चलूं, ये पंजाब के जट और इस ग्रीन शर्ट की दिल की माने दे कि पूरी ग्रीन शर्ट इनके इर्द गिर्द खेलती है, पूरे जोश के साथ खेलते हैं जटा। और इसी स्टाम एक और स्कोर वन जटा की जाने से कैच आउट होने का, बहुत ही खूबसूरत कैच कीपर की जाने से। और नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन आई थिंक फैसल है, चलिए फिलहाल जटा कामयाबी समेटते हुए। जुबैर को जैन वाली इनिंग खेलनी पड़ेगी अगर वो इस मैच में वापस आना चाहते हैं। अच्छा स्कोर हुआ जटा, चिंपा देते हुए बैट्समैनों को। वन लेफ्ट नजर आज लगता है कि अफ्तारी सही तरीके से नहीं की आपने। जटा कामयाबी में कामयाबी समेटते हुए तीन ओवर के इख्तिताम पे बढ़ता हुआ स्कोर 26। बाकी मानदा चार ओवर में 69 रन बनाने होंगे। ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, इसमें एक ओवर में मैच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बताता चलूं ग्रीन शर्ट के पास बॉलिंग लाइन है पूरी। आरएस भी अच्छी बैटिंग करते हैं, आई थिंक को पिंच हिटिंग के लिए आखिरी दो ओवर के लिए रखा गया है। फैसल भी अच्छे बैट्समैन है, लेकिन फिलहाल एक पिल्ला और एक पिल्ला। लेग ब्रेक और शूटर बॉल दोनों करते हैं बिलाल। अच्छा बॉल और लेकिन ओवर स्टेप, नो बॉल। फिलहाल कुछ आई थिंक क्रेडिट के साथ बॉल नहीं कर सके, लेकिन अच्छा बॉल किया। अच्छा लेग ब्रेक करते हैं और साथ ही अफरीदी शूटर 27 रन हो चुके। अच्छा बॉल हो रही बिल्कुल फिलहाल अच्छी फ्लाइट के साथ बॉल करते हैं। फिलहाल शूटर किया, लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। बिलाल
बिलाल का छापा सीधे बैट के साथ बिलाल को खेलना पड़ेगा ठीक है जल्दी बाहर ना गली छापा बॉल करते हैं बिलाल हां ना समझावा ना जल्दी समझ नहीं आ रही कि बिलाल ये चीज यार बिले बैल बॉलिंग यार छापा एक बाउंड्री टेनिस बॉल क्रिकेट में कुछ भी मैंने नहीं रखी और एक और फील्डिंग बैल बोले भाई बड़ा बाल डाक यार बेस फील्डिंग आओ बता दो चलो अरे मां भाई खुरम टीम में सबसे सीनियर मेंबर है खुरम चार ओवर के इख्तिताम पे 39 रन्स हो चुके हैं बाकी मांदा तीन ओवर में 56 रन्स चाहिए 18 वाले 56 रन शाबा खुरम तेरा वाली मैच है शाबा और रन आउट होने का खतरा इसी स्थान पे रन आउट हो सकता है कोई नहीं शाबा खुरम बड़ा सेव कर शाबा बॉल पकड़ने में नाकाम ठीक खुरम शाबा आपको बताता चलूं कि इस टूर्नामेंट का जो नेक्स्ट राउंड है वो ड्रॉज की बेसिस पे खेला जाएगा शहजाद तमाम टीमें जो भी सेकंड राउंड में पहुंचेंगी वो आपस में ड्रॉज वेल बॉलिंग यार वेल बॉलिंग खुरमी वेल बॉलिंग यार शाबा हां जी आदिल में शाबा खुरम शाबा दोनों टीमों में सिर्फ एक ही डिफरेंस एक टीम में जैन मौजूद दूसरी टीम में जैन के मतलब काबिल कोई बैट्समैन मौजूद नहीं अच्छा कैच पहले पकड़ा था ठीक खुरम कोई नहीं दियो दियो कोई नहीं बंगाल शाबा खुरम शाबा दो बार सेव कर शाबा पैर बचा भी अपना शाबा स्पोर्ट्स का नाम ड्रॉज में होगा जैन जरूर होगा ड्रॉ जरूर होगा जी ओए लमे तुसी जग दो राउंड खेड़सो छोड़ 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 इजियो इजियो निशा तेरा इस पास हो ना तू शाबा खुरम यार वेल बॉलिंग यार याद है मैच तो मुक गई और एंट्री कौन जमा करती ये चीज खुरम बिला ठीक ही बिला गुड बॉल खुरम भाई कल आपको बताता चलूं कि दो मैचेस खेले जाएंगे पहला मैच मारी पांडे की मेहमान टीम और दूसरा और उनका मुकाबला करेगी फैसल बैंक हरिपुर ब्रांच की टीम और फैसल बैंक का नाम लिया तो फैसल भी बैटिंग पे आते हुए दूसरा मैच राहुल 11 वर्सेस उसामा 11 सेंट्रल जेल के माबैन खेला जाएगा दोनों टीमें चारों की चारों टीमें हम पल्ला दोनों मैचेस अच्छे होने का पूरा ओए हरम कारमेंट की तरफ से बहुत बड़ा फैसल 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 महमूद के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जैन भाई बिला खाली ना पहुंचे दे 5000 रुपए का इनाम बिलाल टू शाहजेब लेग ब्रेक करते हुए
ਬਿਲਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਗਰਾਉਂਡ ਜਾ ਕੇ ਨੋ ਚਾ ਦੇ ਬਾਲ ਜੀ ਬਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੇਕ ਬਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ ਲੈਗ ਬ੍ਰੇਕ ਨਿਸ਼ਾ ਇਹ ਸਵਾਦ ਮਣੀ ਤੁਕੀਰਾ ਦੇਵੀ ਅਗਲਾ ਓਵਰ ਹਾਂ ਤੁਕੀਰਾ ਤੀਨ ਛੱਕੇ ਪੂਰੀ ਇਨਿੰਗ ਮੇ ਅਗਰ ਆਪ ਤੀਨ ਛੱਕੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਤੁਕੀਰ ਤੁਕੀਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਸੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾ ਇਨਾਮ ਪੈਸੇ ਲਾਭ ਮੇ ਇਹ ਸਲਾਹੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਾਟ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਫਲੈਟ ਹਮਲਾ ਫਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਬਾ फैसल को अगर थोड़ा सा ऊपर भेजा जाता तो मैच का नक्शा चेंज कर सकते थे क्योंकि फैसल अच्छे बैट्समैन है व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर बाजी की तरफ से और वन फॉर द ओवर का इशारा कर इसके बाद दूसरा बॉल अगर शॉर्ट पिच होता तो वो नो बॉल होगा टच भी हो तब भी नो बॉल गैप में खेला लेकिन दो हो गए शाबा दो हो गए हासिल होंगे क्योंकि बॉल पानी में फरम पुशी कितना रह गए 50 रन 50 ठीक है 45 अंदर 45 आदल भी हुसैन भी आदल भी आदल शोर ना कर साहब बै और टेक करके और शोर ना कर 45 रन छह वालों पे बनाने होंगे तो कीरे जार ना बाल कर शाबा तो कीरे स्लैप लाई तेरे से स्लैप में कैच मैं से पे चुकी रहा ने मैं ब्रेक कर देती तो अपना मैं नो देती हो नहीं आओ जियो तो गिरे जियो बॉलर ने तकीर तकीर कटर कर रहा शाबा जटा के लन पकड़ दो यार बाल पकड़ नहीं आ रहा जियो तो किरे आ जियो इस टूर्नामेंट का पहला मेडल हां भाई उंदा उंदा जबरदस्त बॉल यार जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन शर्ट मैच जीत चुकी है मुबारक ग्रीन शर्ट ग्रीन शर्ट मैच जीते हुए दूसरा मेरा मोबाइल कितने कौन है एक सेल्फी और भी सेल्फी कम से कम मजा आया कैसे था अरे खुद मेरी कान होए आदर भी देता लगे था ये बैठ ही कर ये क्या था ਨੇ ਆ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਆਉਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ